वही आज संडे है और वीकेंड कर्फ्यू भी, लेकिन राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू जैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। शहर में अन्य दिनों की तरह ट्रैफिक नजर आ रहा है, ना कोई रोकने वाला है और ना कोई टोकने वाला। लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं और जब कारण पूछा जाता है तो बहानों की फहरिस्त लंबी है। वहीं शहर की सड़कों पर लोग बिना मास्क के भी घूमते हुए नजर आते हैं। बड़ी संख्या में भीड़ सड़कों पर जमा होने से संक्रमण का खतरा बढ़ने का अंदेशा है। जी मीडिया ने देखे वीकेंड कर्फ्यू में आखिर क्या कुछ शहर के हालात। कोरोना के आंकड़े भले ही कम हो गए हों, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आज रविवार का दिन है और राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार वीकेंड कर्फ्यू भी है। लेकिन राजधानी में इस वीकेंड कर्फ्यू का मतलब क्या होता है, हम आपको तस्वीरों के जरिए बताएंगे। देखिए, हम राजधानी की मुख्य सड़क पर खड़े हैं। मेरे कैमरा पर्सन देव तीन अलग अलग तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पुलिस ने यहाँ पर नाका पॉइंट बना रखा है आने जाने वालों से, जिससे पूछताछ की जा सके कि आज वीकेंड कर्फ्यू के दिन आप बेवजह घरों से बाहर क्यों निकल रहे हैं। ठीक इसके 100 मीटर की दूरी पर हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं, जहाँ पर बिना मास्क लोग घूम रहे हैं, कोरोना को आपस में बांट रहे हैं। कैमरा पर्सन देव वो भी तस्वीरें दिखाएंगे कि चौकटी पर, क्योंकि 2 जून की रोटी भी उनको ज़रूरी है, पेट भरना भी ज़रूरी है, तो ये अजमेर रोड पर जो चौकटी बनी हुई है जिसमें बड़ी संख्या में जो मजदूर है बिना मास्क में बैठे हुए हैं, अपनी मजदूरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनको लेकर जाए और वो मजदूरी पर जा सके। राज्य सरकार ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा कर रखी है, यानी कि सब कुछ बंद रहेगा। औद्योगिक इकाइयां चालू रहती है, लेकिन उनमें भी संडे के दिन अवकाश रहता है। यानी कि आप इन तस्वीरों को देखकर समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस कोरोना की जंग को लड़ने के लिए भले ही राज्य सरकार मुस्तैद नज़र आ रही हो, लेकिन जो आम जनता है मानने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। तो शायद वो दिन भी फिर दूर नहीं होगा जब लॉकडाउन जैसी नौबत दोबारा से राजधानी नहीं पूरे प्रदेश भर में आ सकती है। कैमरामैन देव के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।